क्वेश्चन टॉपिक पे, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ लैटिट्यूड। हमने एल्टीट्यूड पढ़ा है ना, ये है लैटिट्यूड। पहले तो तुम्हें समझना होगा लैटिट्यूड होता क्या है। ये अपना अर्थ, यहाँ इसके दो एक्सिस होते हैं, एक होता है ये नॉर्थ साउथ एक्सिस जिसको पोल्स बोलते हैं हम लोग, और दूसरा होता है इक्वेटर जिसको हम ईस्ट वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये है इक्वेटर, ये है पोल्स यानी नॉर्थ साउथ। अर्थ जो है वो नॉर्थ साउथ के आसपास ऐसे गोल घूमती रहती है अपने एक्सिस पे, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अर्थ के बहुत सारे प्लेसेस हैं, समझो कोई भी एक प्लेस ले लेते हैं, समझो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे समझे एक पॉइंट है पी, ठीक है, तो पी पॉइंट और सेंटर में समझो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों के बीच में। तो जो लाइन है किसके बीच की, सेंटर एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उनके बीच की जो हाइपोथेटिकल लाइन है वो लाइन इक्वेटर के साथ यहां पे जो एंगल बनाती है, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सेंटर एंड एनी प्लेस ऑफ अर्थ मेक्स एन एंगल विथ इक्वेटर इज नोन एज लैटिट्यूड, सिंबल देते हैं लेमड़ा। द लाइन, सर ये अर्थ का सेंटर है। हाँ बेटा, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ एंड एनी प्लेस ऑन अर्थ, एनी प्लेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ मेक्स एन एंगल विथ इक्वेटर ऑफ अर्थ, इक्वेटर ऑफ अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं लेमड़ा। अभी क्वेश्चन यह है कि इस लेमड़ा से जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तुम्हें पता होगा कि जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेशन के साथ साथ एक और फोर्स इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल फोर्स, mv²r, याद है? यस सर, यस सर। सपोज करो ये पार्टिकल जब अर्थ घूमेगी तो इस पार्टिकल का सर्कल जो है वो ऐसे बनेगा, समझ में बेटा बात? यस सर। तो मैं सर्कल को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसका रेडियस ड्रॉ करूंगा, इसका रेडियस बनेगा स्मॉल आर, और जो अर्थ के सेंटर के साथ रेडियस है समझो वो आ रही है। सर वो जो था वो अपने पी पॉइंट का रोटेशन मोशन बनाया था, क्योंकि पी पॉइंट ऐसे ऐसे घूमेगा, अगर यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट होगा वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे घूमने का एक्सेस ये है।
उसके सेट में हर पॉइंट का जो रेडियस है वो क्या होगा, अलग होगा। समझ में बेटा बात? यस सर। दूसरी बात, ये रेडियस आर है, ये है आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ। अब तुम्हें पता होगा अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? इट्स एम जी, याद है सबको, टुवर्ड सेंटर। यस सर। दूसरी बात, नो सर नहीं पता ये फोर्स एम जी। अरे आपने डाउट बोला ना इसलिए नो बोला। ओके बेटा ओके। दूसरी बात के रोटेट करने के लिए एक नेसेसरी फोर्स चाहिए जिसको बोलते हैं एफ सी, सेंट्रीपेटल फोर्स, एम बी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया एज ए रिक्वायर्ड फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? यानी ये फोर्स कौन सा है रिक्वायर्ड, जो हमें किस तरफ चाहिए? टुवर्ड सेंटर की तरफ चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? फ्यूगल मतलब समझेंगे, मतलब कि किसी भी चीज को गोल घूमने के लिए अंदर की तरफ फोर्स चाहिए, तो वो अंदर वाला फोर्स रिक्वायरमेंट किसकी वजह से है? क्योंकि जब कोई भी चीज रोटेट करती है वो हमेशा ट्राई करती है सर्कल से बाहर जाने को। जब भी तुम रोटेट करोगे ना तो तुम्हारी बॉडी कैसे ट्राई करेगी? सर्कल से बाहर जाने की ट्राई करेगी। फिर अंदर का जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो उसको अंदर खींच लेता है, लेकिन अंदर खींचता तब है जब वो बाहर जाने की ट्राई करता है। तो बाहर जाने वाला जो फोर्स है उसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल का मतलब होता है हमें सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश, और पेटल क्या करता है? वापस अंदर आने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमने अभी फ्यूगल दिखाया है, अब हम दिखाएंगे इसका पेटल किस तरफ होगा। तो सिंपल बात है, एक्सिस पे तो कोई चीज को खींचेगी नहीं, ये जो एक्सिस है इस पे तो कोई चीज है नहीं जो उसको खींचेगी। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो एम जी और एफ सी एक लाइन में नहीं है, दिख रहे? Yes, तो इसका मतलब हम एफ सी के यहाँ पे बना रहे हैं दो कंपोनेंट, एक बनाएंगे ऐसा कंपोनेंट और एक बनाएंगे ऐसा कंपोनेंट। एफ सी के दो कंपोनेंट, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लेमड़ा है तो ये लेमड़ा यहाँ बनेगा। यस सर। एक ही लाइन में पता चला लेमड़ा कैसे बना? यस सर। इस एफ सी के दो कंपोनेंट होंगे कॉस और साइन, तो कॉस कौन सा और साइन कौन सा? ऊपर वाला एफ सी कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, एम बी वाला साइन होगा, कॉस लेमड़ा, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? साइन लेमड़ा। साइन लेमड़ा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई डाउट? एक सेकंड, इसे कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो बेटा, जो हाँ यहाँ पे फिर से देख लो, एफ सी के दो कंपोनेंट लिए, एक तो एम वी स्क्वायर बाय कॉस लेमड़ा, दूसरा इससे आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर साइन लेमड़ा। लेकिन अभी हम उसके रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे, हम ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और ये लग रहा है बाहर की तरफ, तो मुझे बता सकते हो दोनों में से कौन सा स्ट्रांग होना चाहिए या कौन सा स्ट्रांग होता होगा? एम जी।
कंपल्सरी एम जी, क्योंकि अगर ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग होता होगा तो हम लोग अभी हवा में होते हैं। यहाँ तक क्लियर बात इतनी? हाँ सर। क्या बोला लास्ट आपने, वापस बोल बताओ ना। मैंने पूछा कि एम ई स्क्वायर बाय आर कॉस लैम्ब्डा और अंदर एम जी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट लाइन में है, दिख रहे हैं? तो ऑपोजिट लाइन में मैंने पूछा दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके सर। अगर बाहर वाला स्ट्रॉन्ग होता तो हम लोग हवा में होते, लेकिन हम लोग अभी हवा में नहीं है। इवन जंप भी दें तो वापस नीचे आ जाते हैं, इसका सिंबल मीनिंग क्या हुआ? एम जी इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Got it? Yes, sir. ध्यान। The forces acting on system, sorry, the forces acting on a particle placed at point P in figure point P are shown in figure. The resultant force acting on point P is towards center of Earth because ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो हम लेंगे रिजल्टेंट यानी एफ आर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस लैम्ब्डा। समझ में आई यहां तक बात? यस सर। इसके लिख सकते हैं एम ए एम कॉमन जी माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस लैम्ब्डा। एम एम कैंसल तो ए कॉस टू क्या मिलेगा, जी माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस लैम्ब्डा। हियर ए इज नोन एज इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसको इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या इसको कभी कभी सिंबल देते हैं जी डैश, मतलब ए की जगह हम क्या लिखते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस वी स्क्वायर बाय आर कॉस लैम्ब्डा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर लैम्ब्डा है तो यहाँ कितना एंगल होगा इस पॉइंट पे? लैम्ब्डा सेम होगा, लैम्ब्डा। तो ट्राइंगल प्रॉपर्टी ले लें ये वाली, राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल? यस सर। लैम्ब्डा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो कॉस लैम्ब्डा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो आएगा। हाँ। यानी स्मॉल आर अपॉन आर। समझ में आई बेटा बात? यस सर। यस सर। ध्यान देना, वी स्क्वायर को लिख सकते हैं ओमेगा आर का होल स्क्वायर। यस सर। तो जी डैश क्या बन जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस लैम्ब्डा। तो जी डैश सेम, जी सेम, माइनस ओमेगा स्क्वायर सेम, जो स्मॉल आर है ना इसकी जगह अगर मैं यहां से सब्जेक्ट बनाऊं स्मॉल आर क्या आएगा, आर ई कॉस लैम्ब्डा, आर ई कॉस लैम्ब्डा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, आपने क्या किया कौन से पॉइंट पे, आर ई कॉस स्क्वायर लैम्ब्डा, या जो वहां पे आर ई को स्मॉल आर की जगह वैल्यू डाल दी, यहां से सब्जेक्ट बना है स्मॉल आर। ओके ओके ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, जिसमें स्मॉल ये जो जी है ना ये वाला जी तो फिक्स है 9.8। ठीक है। ओमेगा कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाय टी से, क्या टी मतलब अर्थ का एक रोटेशन का टाइम। तुम्हें पता है अर्थ का एक रोटेशन का टाइम कितना होता है? 1 ईयर। ओए शुक्रा, वो रिवॉल्यूशन होता है सन के आसपास, ये रोटेशन है खुद के एक्सिस के आसपास। 24 आवर। हाँ। तो यहाँ ओमेगा फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स होगा, कितना
6400 किलोमीटर सिर्फ एक ही चीज फिक्स नहीं है, लेमड़ा। तो लेमड़ा यानी क्या है, लेमड़ा इज एन एटीट्यूड। तो लेमड़ा चेंज होगा, जी डैश भी चेंज होगा, मतलब कि इफेक्टिव ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में लेमड़ा की वजह से जो चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन विद लैटिट्यूड। समझ में आई बेटा बात? यस सर। बेटा क्या समझे? ओमेगा 2π/T चैप्टर 7। ओके, वो भी कांस्टेंट रहेगा। ओके हां, क्योंकि वो 2π/T पे बन जाता है, टी कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें लेमड़ा अगर मैं बात करूं एट इक्वेटर, अगर कोई पार्टिकल इक्वेटर पे होता तो मुझे बताओ उसका लेमड़ा क्या बनेगा? 0 डिग्री। जीरो बनेगा, 0 डिग्री। तो जी डैश क्या मिलेगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर जीरो। जब कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। ये बन जाएगा ओमेगा, तो ये बन जाएगा जी डैश की वैल्यू कहाँ पे? इक्वेटर पे। अच्छा, एट पोल्स, अगर पोल्स की बात करूं तो पोल्स यानी नॉर्थ साउथ, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल होता उसके लिए लेमड़ा क्या बनेगा? 90 डिग्री। वैल्यू डालेंगे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 की वैल्यू 0। क्या मिलेगा? मतलब के सेम रहेगा पोल्स पे। तो मुझे बताओ ये पोल्स पे है, इक्वेटर पे है, किसका जी डैश बड़ा है? पोल्स का जी डैश बड़ा है कि इक्वेटर का जी डैश बड़ा है? पोल्स का। माइनस होगा, लेकिन क्या है, ओमेगा इतना छोटा होता है, जो टर्म नेगलेक्ट होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, मतलब इसकी ओमेगा स्क्वायर की पूरी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 0.1 के अराउंड आएगी। तो 9.8 में से 0.1 माइनस करोगे, 0.2 माइनस करोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर यानी सर पोल्स और इक्वेटर पे ज्यादा फर्क, एक्सेलरेशन का फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता? अगर ये जो अर्थ का टाइम इन 24 आवर की जगह चेंज किया जाए, पे सपोज करो 24 आवर की जगह समझो हम कर देते हैं 6 घंटे, पे अर्थ पूरा रोटेट कर दिया सिर्फ 6 घंटे के अंदर, तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इक्वेटर पे जी अलग होगा, पोल्स पे जी अलग होगा, ज्यादा चेंजेस आएंगे। लेकिन अभी T24 है, बहुत स्लो घूम रही है, बहुत धीमे धीमे चल रही है, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर फास्ट घूमने लगे, इफ एक्स्ट्रा लिखता हूं यहाँ पे, कोर्स में नहीं है, जस्ट खाली इमेजिन करो, इफ एम जी और एम वी स्क्वायर बाय आर सेम हो जाए, मतलब ये जो है ना, सपोज करो कि हम इक्वेटर पे आ गए, इक्वेटर पे तो एम वी स्क्वायर बाय आर बाहर लगेगा, एम जी अंदर लगेगा, अगर ये दोनों समझो सेम हो गए, एग्जैक्ट इक्वल, तो जी डैश क्या आएगा? सिंपल बात है, जी डैश तो जीरो हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो जी डैश क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो मतलब रिजल्टेंट जीरो। इसका मतलब तुम अपनी जगह पे खड़े तो होंगे बट फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब कि तुम्हें ना अर्थ अट्रैक्ट करेगी ना तुम ऊपर जाओगे, तुम उसी जगह पे बैलेंस रहोगे, जैसे कि साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाके हो जाते हैं अंदर। समझ में आई बात? लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, समझो मैं एमएम कैंसिल कर दूं, वी क्या होता है पता? ओमेगा आर, इसको लिख देंगे 2πr/2। ठीक है, तो अगर मैं टी को सब्जेक्ट बनाऊं, ये सब नीचे ए का कहना तो बचेगा 4π² आर का स्क्वायर होगा, लेकिन एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, नीचे बचेगा जी। ठीक है, पाई स्क्वायर जी सेम होते हैं, तो टी का स्क्वायर जी क्या मिलेगा? रूट करेंगे तो 4 का रूट तो हो जाएगा 2√r। आर कितना होता है? 6.4 × 10⁶। 6.4 का रूट कितना होता है?
मतलब t उसमें कितना आएगा तुम्हारा 5.05 × 10³ सेकंड, मतलब इसको मैं हजार से मल्टीप्लाई करूं 10³ यानी 5059 सेकंड्स। कितने सेकंड्स? 5059 सेकंड्स। अगर डिवाइड बाय 3600 करूं यानी उस वक्त तुम्हारा टाइम पीरियड जो 24 घंटे है उसकी जगह कितना होगा 1.4, मतलब पूरा दिन तुम्हारे 1.4 आवर में खत्म हो जाएगा। पूरा दिन मतलब सन का ईस्ट वेस्ट घूमता है जो, पूरा ईस्ट से निकला वेस्ट में गया, वेस्ट से निकल के वापस ईस्ट में आएगा, तो ईस्ट से ईस्ट आने में उसको कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1.4 आवर। अगर इतनी स्पीड से भागती है तो तुम अर्थ पे फ्री फॉल की तरह रहोगे, मतलब के अर्थ पे तुम लोग जैसे वो एस्ट्रोनॉट घूमते ना हवा में एक चीज ऐसे ऐसे, वैसे तुम अर्थ पे रहोगे। अब इसमें नुकसान कहाँ होगा पता? हाँ? कौन सा नुकसान हो सकता है? कोई हम मूव नहीं कर सकते, व्हीकल्स ठीक से चल नहीं सकते। हाँ। वो के इकोसिस्टम मतलब अब व्हीकल्स की जरूरत कहाँ है? तुम लोग तो उड़ भी सकते हो। हाँ सर, इकोसिस्टम लकी बिगड़ जाएगी सर। इसमें क्या होगा देखो, जंप जैसे हम अर्थ पे जंप लगाते हैं, ठीक है, जंप करके वापस कहाँ आते हैं? नीचे। जहां से जंप करते हैं तब तुम नीचे आते हो तो उसी पॉइंट पे आते हो। लेकिन इतनी स्पीड से घूमोगे और एयर भी बहुत स्पीड से होगी, तो उस वक्त अगर तुम जंप करोगे और जंप करके वापस नीचे आओगे ना, तो तुम अर्थ के सेम प्लेस में नहीं पहुंचोगे, क्योंकि अर्थ की स्पीड क्या है? ज्यादा है। बात समझे? इसका मतलब समझो तुमने बहुत बड़ा जंप किया तो यह समझो अपने आपको हवा में रख पाए, हवा में रख पाए तो अर्थ गोल घूम जाएगी, तो उससे क्या होगा, तुम्हें जिस डायरेक्शन में जाना हो तुम पहुंच जाओगे। इंडिया टू अमेरिका फ्री में हो जाएगा। हाँ फ्री में हो जाएगा, और कोलिजन भी फ्री में होंगे बहुत सारे। सर हाँ बेटा बोलो। अगर हमें अर्थ भी और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दोनों इक्वली मतलब फोर्स दे रहे, तो हम वहां पे ही नहीं रहेंगे जिस पॉइंट पे? फोर्स कोई नहीं, हम कुछ भी नहीं दे रहे यहाँ पे। ये फोर्स ग्रेविटी की वजह से है, ये फोर्स अर्थ के रोटेट की वजह से है, हम कुछ नहीं दे रहे। नहीं हम नहीं दे रहे, मतलब उसकी वजह से जो हम पे फोर्स लग रहा है ना, ये दोनों। हाँ ये दोनों हम पे लग रहे हैं। हाँ तो फिर ये अगर मतलब जैसे टग वाला वॉर्ड नहीं होता, सेम रस्सी से अगर सेम तरह से खींचो तो भी हम वापी रह जाते हैं ना जापे थे। समझा नहीं मैं।